नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्पिंग चचा में। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है उसे ऑर्डर करने का, बाई पोस्ट मंगाने का। तो इस कार्ड को आप बाई पोस्ट ही मंगा सकते हैं और जो पैसे लगते हैं ₹50 लगेंगे आपको इसे मंगाने के लिए। आपको सबसे पहले आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in, इसको खोल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खोल ली है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे जो आधार कार्ड है उसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, QR कोड है, होलोग्राम है, ग्लोज पैटर्न है, गोस्ट इमेज एंड माइक्रो टेस्ट है, और ये ड्यूरेबल है। मतलब पहले जो आधार कार्ड आता था कागज़ वाला, उससे ड्यूरेबल है और इसको ईजिली आप वॉलेट में कैरी कर सकते हैं। इसकी लाइफ ज़्यादा है। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर जो है उसे एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा मांगा है, कैप्चा को एंटर कर देना है। आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक हो ये जरूरी नहीं है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जिस नंबर पर OTP मंगाना है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, उसी नंबर पर OTP आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल लिंक है आधार कार्ड से तो आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास OTP आ जाएगा, आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। इस पे क्लिक कर लेना है आपको, उसके बाद आपको सबमिट कर देना का। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका ये वाला पेज खुल जाता है जिस पे प्रीव आधार कार्ड दिखाया गया है। इसके बाद इस पे आपकी डिटेल्स बता दी गई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एक डमी बनाया गया है, उसमें बताया गया है कि फ्रंट पे क्या हुआ और बैक पे क्या हुआ, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए हैं पेमेंट करने के लिए। आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। ₹50 लगेंगे टोटल, आपका जो पेमेंट है ₹50 का पेमेंट ही होगा। एक बार आपका पेमेंट हो गया तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको आपको संभाल के रख लेना है। और अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि अभी उसका क्या स्टेटस है, तो वो किस तरीके से चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आने के बाद चेक आधार पीवीसी स्टेटस ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगा है, वो लिख देना है 5016। आप देख सकते हैं ये SRN नंबर है, और इस SRN नंबर के लिए जो भी रिक्वेस्ट है, योर पीवीसी कार्ड हैज बीन प्रिंटेड एंड डिस्पैच्ड, इट विल बी हैंड ओवर टू DOP फॉर डिलीवरी थ्रू स्पीड पोस्ट सर्विस एट योर रजिस्टर्ड एड्रेस। मतलब ये हमारे रजिस्टर्ड एड्रेस पे आ जाएगा। तो आपको SRN नंबर हो उसकी ज़रूरत नहीं, आप केवल अपने आधार कार्ड नंबर से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लगभग 7-8 दिन बाद आपका आधार कार्ड आपके घर आ जाएगा, आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से आपकी मदद हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।